हमने बहुत ही ऑन गोइंग ट्रैक यूज़ किया है विजयनगर में, जो 16वीं शताब्दी में के हैं हम. हम 21वीं शताब्दी में हैं अभी, और अभी ऐसा सीज़न ऐसा चल रहा है इंडिया में जहाँ चाइनीज़ माल बहुत मिलता है. दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाइनीज़ वस्तुएं बहुत मिलती हैं इस समय. तो हमने वो सेम ट्रैक उस दौरान यूज़ करने का प्रयास किया है. तो आपने देखा होगा कि चाइनीज़ आ गए हैं और अपनी सारी मटेरियल्स यहाँ बेच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको पूरा कैप्चर कर लें. बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रामा अपनी बुद्धिमत्ता से वो उन्हें वापस भेज देगा. तो उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होने देगा रामा. लेकिन देखिए, आज के ज़माने में भी वही होता है. आप चाइनीज़ माल खरीदते तो हैं, लेकिन कितना चलता नहीं है. फिर अल्टीमेटली लोग यहाँ का लोग जो एक्चुअल ब्रांड वाली चीज़ें हैं वही खरीदने लगते हैं. तो वहाँ भी यही होगा कि जब इन्हें सस्ते में जो सामान मिला है वो टूटने बिखरने लगेगा, तो सब लोग वापस जो लोकल चीज़ें हैं वही खरीदने लगेंगे. तो प्लान ऑब्वियसली इनका अनसक्सेसफुल हो जाएगा. तो उनका ये प्लान मैं उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ करूँगा कि मैंने ये भी ये कहा है कि यदि उन 5 वर्ष से पूर्व ये गए तो उनको यहाँ पर राज्य को धन देना पड़ेगा. तो रामा आई गेस कोई तिकड़मबाजी करेगा और उनको जल्दी यहाँ से भगाएगा, और अगर वो भागेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा. तो आई थिंक दैट विल बी द सोल्यूशन. हाँ, आई मीन लाइफ में प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होते हैं. यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल प्रॉब्लम्स चल रहा होता है. तो अपनी प्रॉब्लम से हार नहीं मानते हैं, उसको फेस करते हैं, उससे निकलने का कोशिश करते हैं, एंड दैट्स नॉट अ बिग थिंग. रामा थोड़ा विटी है, विटीली वो उन चीज़ों से निकलना चाहता है. बट हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से उन चीज़ों से निकलना है. मैं भी उसी तरह निकलता हूँ. मैं यही कहना चाहूँगा कि रामा की तरह अच्छे बने, रामा की तरह बुद्धिमान बने, रामा की तरह लोगों का हेल्प करने वाले बने, और अपने सपनों को जिएं, आगे बढ़ें, थोड़ा पैशनेट रहें. पैशन रहता है लाइफ में तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं.